ये देखिए दोस्तों, अम्मा भी आई हैं। इनको हो गए होंगे कम से कम 85 साल। ये देखिए अम्मा भी आई हैं सुबह सुबह खेत में, और ये लोग सुबह आ गए होंगे थोड़ा जल्दी। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ घर को, और आगे से कोई लेडी जा रही है। आप देख सकते हैं कितना भारी जो है गट्ठर ले जा रही घास का। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार आजकल हो गया है, एकदम लाल लाल। जब मैं आपको पहले दिखाता था तो उस समय पका नहीं होता था, तो असोज में पक जाता है। बढ़िया से मीठा भी हो गया है, लाल भी हो गया है, खाने में भी अच्छा हो गया है। तो इसको खाते हैं, और बाखली में हूँ अभी मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांववाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों सोमेश्वर घाटी के लदीवड़ा गाँव से इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सोमेश्वर पड़ता है अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज से अपने लिए असली असोज लग गया है, मतलब आज से अपनी धान कटाई जो है शुरू हो गई है। तो धान आज से कटने शुरू हो गए हैं। हालांकि मौसम अभी साफ नहीं है, बादल है आसमान में, और बहुत बढ़िया से हाथ नहीं बैठ रहा। मतलब जैसे धूप में अच्छा मन होता है काम करने का, वैसा अच्छा मन नहीं हो रहा है काम करने के लिए। लेकिन फिर भी धान पक गए हैं तो काटने तो हैं ही। तो फिलहाल आपको यहाँ से मौसम का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद आपको खेत में ले जाते हैं, और खेत में भी दिखाते हैं कि क्या कुछ होता है और कैसे हम धान काटेंगे। तो सबसे पहले आपको हल्का सा गाँव का नज़ारा और मौसम का क्या हाल है वो दिखाते हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरब की तरफ, और यहाँ से होता है सूर्योदय। लेकिन आज भगवान सूरज आए नहीं है, उन्होंने दर्शन नहीं दिए, तो सुबह से ही मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है। ये देखिए बढ़िया, और ताऊ जी आ गए हैं एक बैग लेके। मुझे लग रहा है सीधा आ गए हैं दिल्ली से। धान मारने आते रहते हैं लोग जो बाहर रहते हैं, मतलब धान मारने के लिए छुट्टियाँ लेते हैं, या फिर रोपाई के टाइम पर छुट्टियाँ लेते हैं जो भी बाहर नौकरी करते हैं। और पहले बहुत लोग लेते थे, अभी कम हो गया है। अभी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन, ये मतलब ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं जीवन शैली में। तो इस वजह से बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरी होगी, इन मौक़ों पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। फिलहाल इस खेत में आप देख सकते हैं धान कट के डला हुआ है, और इस खेत में धान को इकट्ठा किया गया है। तो हमें जाना है वहाँ पर जहाँ वो मदंदा दिख रहे हैं आपको, उसके बगल वाले खेत में। तो चलते हैं, आपको ले जाते हैं। मौसम का हाल मैंने आपको दिखा दिया, और इसी तरह का मौसम आज दिन भर रहेगा। तो फिलहाल अपने खेत की ओर ले जाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों अम्मा भी आई हैं। इनको हो गए होंगे कम से कम 85 साल। ये देखिए अम्मा भी आई हैं सुबह सुबह खेत में, और ये लोग सुबह आ गए होंगे थोड़ा जल्दी। इनको हमारी तरह आलस नहीं है, हम हो गए हैं आलसी। तो इन्होंने इतना सारा काट लिया है सुबह आके, कम से कम एक घंटा हो गया होगा उनको आते हुए। सभी लोग लगे हुए हैं जी। मदन दादा शुरुआत है कि जाओ आज आज कटान लगी और लवहनी का। तो दोस्तों आज भी इनकी शुरुआत, आज इनकी भी शुरुआत हुई है, अपनी भी आज ही शुरुआत होगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमारा जो धान है वो देख सकते हैं आप, पूरा ऐसे गिरा हुआ है जमीन से। ये देखो जो धान है खड़ा नहीं है, इस तरह से खड़ा नहीं है, पूरा गिरा हुआ है बारिश की वजह से। तो इसको काटने में बहुत आफत आएगी, कम से कम मुझे लगेंगे आज यहाँ पे 4-5 घंटे, 6-7 घंटे भी लग सकते हैं। ये कितना बेकार हो रहा है, इनका सही हो रहा है। तो जाते हैं खेत के कोने पे और वहाँ से शुरू होते हैं। तो दोस्तों अभी बज गए 10:30, हम आए थे कितने बजे, लगभग 7:45 बजे हम आए थे खेत में। और क्योंकि ये हमारा खेत जो है, धान इसमें पूरा बिखरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। ऊपर ताई जी लोग हैं, इनने भी काफ़ी काट दिया। ये देखिए ये जो सूखा हुआ है इनका ही, इन कल काटा था। और जहाँ से आपको ये हरा दिख रहा है ये हमारा खेत है, यहाँ से कोने से पतला पतला इस तरफ और चौड़ा होता जाएगा। जहाँ पे चौड़ा है वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है कटने में। तो कुल मिला के अभी क्या है कि माहौल बन रहा है धीरे धीरे असोज वाला। अब बारिश नहीं आनी चाहिए बस, क्योंकि जब बारिश आ जाती है पूरा वो हो जाता है, रिदम बिगड़ जाता है। जो लय बनती है ना, लय वो बिगड़ जाती है, जो लय बनी हुई है अभी, बनी नहीं हुई है मतलब बन रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से भी धान काट रहे हैं, और सुबह बादल थे लेकिन बादल अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा
हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आसमान खुला हुआ है, नीला आसमान है, तो धूप आ गई है बढ़िया सी, जरूरी भी है। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10 और समय है चाय पीने का, तो बॉल में बैठ के चाय पी रहे हैं बढ़िया से। ये देखो चाय आई है और कटक आया है मिश्री। खेत में चाय पीने का अलग आनंद है। ये देखो ये लोग भी चाय पी रहे हैं, हम भी चाय पी रहे हैं, उनको भी आवाज लगाते हैं। सोनू मम्मी चाय भी जाओ, आ जाओ पी लो। तो जी अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45, 2:45 क्या मतलब 3 ही बज गए, 2:50 हो गए हैं। और जिस खेत में हम सुबह आए थे 7:45 उसको काटते काटते लगभग मतलब 3 बज गए हैं सुबह से, सुबह के 8 से शाम के 3 बज गए हैं। और दिन में खाना खाया था, एक बारी रोटी खाई थी। फिलहाल जो दिन का भोजन होता है वो स्किप हो गया है, तो घर जाके देखता हूँ खिचड़ी विचड़ी बन पाती है फिर नहीं, बाकी चाय वाय पी है 2-3 बार। तो फिलहाल आपको अपना खेत दिखाता हूँ कि सुबह कैसा था और अभी कैसा हो गया है। ये देखिए दोस्तों ये पूरा हमने काट दिया है यहाँ से लेके पूरा वो सामने तक। तो सुबह पूरा धान जो है नीचे ज़मीन में गिरा हुआ था, क्योंकि बारिश की वजह से धान ढह गए थे। धान खड़ा होता तो शायद ये कट जाता 1 बजे तक या फिर 1:30 बजे तक, लेकिन धान जो है पूरा ढह गया था, इस वजह से बहुत टाइम इसमें लग गया। तो इतना ये कट गया है और ऊपर वाले खेत में भी ताई जी लोगों ने कितना काट दिया है, इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। ये देखिए अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो फिलहाल ये है दोस्तों सीन। तो जी अभी क्या है कि 10-15 दिन लगातार धूप में काम करना होता है, तो चेहरा जो मेरा पहले से ही थोड़ा सांवला सांवला सा एकदम काला हो जाएगा अगले 10-15 दिन में। तो आज ही एक दिन के धूप में ही थोड़ा थोड़ा काला जैसा मुझे लग रहा है। तो अगले 15 दिन में या फिर कम से कम 2 हफ्ते लग ही जाते हैं, वैसे 12-14 दिन आराम से लग जाते हैं खेतों में। तो लगातार धूप में रहते हैं, धूप में रहने की वजह से पूरे चेहरे की जो है रंग मतलब शक्लो सूरत जो है पूरी परिवर्तित हो जाती है। फिलहाल यहाँ से चलते हैं घर को धीरे धीरे, और रास्ते में क्या क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ घर को, और आगे से कोई लेडी जा रही है, आप देख सकते हैं कितना भारी जो है गट्ठर ले जा रही घास का। छोटा मोटा जो छोटा हाथी होता है वो ले जाता है इतना, इतने उसमें 2 या 3 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इतना बड़ा बड़ा गट्ठर औरतें ले जा रही हैं, भयंकर अफसोस लगा हुआ है। सुबह से मैंने आज 2-3 वो निपटा दिए हैं, पॉडकास्ट निपटा दिए हैं यूट्यूब पे, जिसमें से एक दो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। एक जो राइटर हैं द हिडन हिंदू है बस उसके राइटर, थोड़ा लवाई भाई जगुदा से ले गए दुकान को। तो दोस्तों द हिडन हिंदू के जो राइटर हैं उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें भी उन्हें काफ़ी ठीक ठाक बात है कहीं, मतलब अच्छा लगा मेरे को। उसके अलावा एक पॉडकास्ट में नाम पता नहीं कौन आए थे, वो सुना मैंने, उसमें सासू के बारे में बताया गया था कि सासू के बारे में कि सांस हमारे जीवन में केवल जीने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो डीप ब्रीथिंग जो होती है उसके बारे में उसमें बताया गया था, तो ये भी मेरे को बड़ा सही लगा, वैसे उनका नॉलेज अच्छा लगा मेरे को। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और घर जाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो इस तरह का मौसम है, ये देखिए अभी बहुत सारे लोग नहीं काट रहे धान, लेकिन काटने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि अब पक गया है धान। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि धान जो है पीला हो गया है। तो आज भी बहुत सारे लोगों ने काटना शुरू किया है, और कई सारे लोग कल से काटना शुरू करेंगे, मतलब कई सारे लोगों ने परसों से किया है, लेकिन सबने नहीं किया है अभी। तो अभी उतनी रौनक नहीं है, 2-3 दिन बाद बहुत ज़्यादा आपको रस मिलेगा खेतों में, हर खेत में कोई ना कोई दिखाई देगा, फिलहाल उतने लोग नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, घर जाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है, घर आए, खिचड़ी बनाई, थोड़ा खिचड़ी खाई। तो अभी मैं जा रहा था नीचे चक्की में, तो यहाँ पे अम्मा जो है बाकली वाली, उनने कहा कि दड़म खा ले, तो ये बढ़िया सा दड़म मेरे को दे रखा है, ये देखिए। तो इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं, आजकल लाल हो गया होगा क्योंकि असोजे पक जाता है। और ये है क्या नाम किसू है, किसू
ये देखिए दोस्तों कितना शानदार आजकल हो गया है, एकदम लाल लाल। जब मैं आपको पहले दिखाता था तो उस समय पका नहीं होता था, तो असूज में पक जाता है, बढ़िया से मीठा भी हो गया है, लाल भी हो गया है, खाने में भी अच्छा हो गया है। तो इसको खाते हैं, और बाकली में हूँ अभी मैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अम्मा बैठी हैं, जिन्होंने कहा कि यार दलम खा जा रहे राजुआ, पता नहीं इनको कैसे पता चला मेरा मन हो रहा दलम खाने का। तो अभी आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। और भाविक मेरे को परेशान कर रहा है, इसका नाम भाविक है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था।